लालू प्रसाद के फैसले ने अचानक से बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल बढ़ा दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव के परिणाम आ गए, दो सीटों पर उपचुनाव होने थे और इस उपचुनाव को लेकर के हड़बड़ी में भागे भागे लालू प्रसाद दिल्ली से पटना आए थे। कहा जा रहा था कि एक महीने के लिए वो पटना में रहेंगे और डॉक्टरों से उन्होंने सलाह ले लिया है। कहा तो यहाँ तक जा रहा था कि राबड़ी देवी भी साथ में आई हैं, मीसा भारती साथ में हैं, तो लंबे समय तक पटना में वो प्रवास करेंगे और लोगों से मिलेंगे। यहाँ तक कि कार्यक्रम ये भी तय किया गया था कि लालू प्रसाद छठ के बाद, चूँकि राबड़ी देवी अगर छठ करती हैं तो पटना में ही छठ करेंगी, उनका अक्सर छठ करने का जो प्रोग्राम होता है वो अपने सरकारी आवास पर होता है। अब अचानक से लालू प्रसाद ने एक ऐसा फैसला लिया है जिस फैसले को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं और ये चर्चा कोई पहली बार नहीं हुई है, लेकिन इस बार लालू प्रसाद का ये डिसीजन है, इसलिए इस चर्चा पर विशेष टिप्पणी करने का और विशेष चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद ने अचानक से दिल्ली जाने का फैसला कर लिया है, उनके साथ मीसा भारती, राबड़ी देवी और संभावना है कि तेजस्वी यादव भी दिल्ली जाएंगे। हालांकि तेजस्वी यादव को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही थी, पहले भी कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव चुनाव खत्म होते ही पटना छोड़ करके दिल्ली चले जाएंगे, ऐसा उनको प्रवासी नेता के रूप में भी कहा जाता है, उनके विरोधी इस बात को लेकर के चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद से मिलने तेज प्रताप यादव आज उनके आवास पर यानी राबड़ी आवास पर गए थे, उसके बाद अचानक से ये बातें सामने आई कि लालू प्रसाद ने फैसला कर लिया है कि वो पटना नहीं दिल्ली में रहेंगे और डॉक्टरों की सलाह के बाद, जबकि एक महीने का छुट्टी लेकर के आए थे, उन्होंने भी कहा था और उनकी पार्टी की तरफ से भी कहा गया था कि एक महीने तक लालू प्रसाद पटना में रहेंगे, लेकिन अचानक उनके दिल्ली जाने से कई तरह की चर्चाएँ शुरू हो गई हैं। जहाँ एक तरफ ये कहा जा रहा है कि परिवार में इतना ज़्यादा विरोध बढ़ गया है, इतना ज़्यादा विषमता पैदा हो गई है, जिसको लेकर के लालू प्रसाद यहाँ अपने आप को ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं। एक तरफ तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच का जो झमेला है, दूसरी तरफ जो उन्होंने सोचा था कि इस चुनाव को जीत करके बहुत कुछ हासिल करेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका। अब इन सारी बातों को लेकर के जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, आखिर क्या कुछ हुआ भीतर खाने में जिसको लेकर के लालू प्रसाद को ये फैसला अचानक लेना पड़ा, जो एक महीने के लिए पटना आए हुए थे वो अचानक से दिल्ली के लिए टिकट कटा लेते हैं और दिल्ली निकलने लगते हैं, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई बड़ी बात जरूर होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दोनों ही सीटों पे तेजस्वी यादव की करारी हार हुई है और लालू प्रसाद के आने के बाद बहुत सारी बातें हुई, इन सब को लेकर के तेज प्रताप यादव ने जबरदस्त तरीके से हमला किया था और कई लोगों पर आरोप लगाया था और हार का कारण उन लोगों को बताया था। इसके बाद परिवार को लेकर के उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि वो पिता से मिल करके इन सारी बातों को रखेंगे और हर हाल में पार्टी को संभालने के लिए उन्हें कोई कड़ा डिसीजन लेना होगा तो ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में लग तो यही रहा है कि तेज प्रताप यादव जब लालू प्रसाद के साथ मिलने गए तो बातें नहीं बन पाई और परिवार में दोनों भाइयों के बीच में एक करने में शायद लालू प्रसाद असफल रहे हैं और यही कारण है कि लालू प्रसाद मीसा भारती के साथ और राबड़ी देवी के साथ दिल्ली के लिए जाने का मन बना लिए हैं। हालांकि कहा तो यहाँ तक जा रहा था कि लंबे समय के बाद राबड़ी देवी पटना में छठ करेंगी और एक बार फिर से पारिवारिक माहौल बनेगा, लेकिन अब इस पर विराम लगता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं लालू प्रसाद का ये डिसीजन इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि तेजस्वी यादव बढ़ते बढ़ते आखिर शिखर पर जाते जाते अचानक से फिर से बैकफुट पर आ गए हैं और इसके पीछे पारिवारिक कारण बताया जा रहा है। अब क्या है ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन इस पर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि 7 बजे की फ्लाइट से लालू प्रसाद दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो जे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।